एवरीवन, रेशमा इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अगर चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, और हाँ, बेल की घंटी वो भी दबानी है ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए और हम एक दूसरे के साथ और बातें कर पाए, क्योंकि बातें करना ज़रूरी है। आज का टॉपिक बताती हूँ। इसके पहले वीडियो में मैंने नाउन्स और टाइप्स ऑफ नाउन ये इंट्रोड्यूस किया था। आज उसी का एक एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं ताकि आपको ये पांचों प्रकार अच्छे से समझ में आए। याद रहा हम पांच? कल जो मैंने बताया था, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन, इसका आज एक्सरसाइज करते हैं। लेट अस स्टार्ट। तो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग एंड स्टेट इट्स काइंड। नंबर वन, वुमन। वुमन सिंगुलर है, जिसे हम वीमेन प्लूरल में बोलते हैं। तो फर्स्ट रहा वुमन। कौन सा टाइप है वुमन? हमारे पास ये पांच ऑल्टरनेटिव्स है। ये किसी का नाम है? नहीं। तो ये हो गया कॉमन नाउन। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, स्टार। स्टार कौन सा नाउन? वो भी कॉमन नाउन, लेकिन अगर वर्ड होगा क्लस्टर, वो कौन सा नाउन? क्लस्टर ऑफ स्टार्स, ये हो गया कलेक्टिव नाउन, जो मैंने पहले भी बताया था। और एक एग्जांपल है, आर्मी ऑफ सोल्जर्स। आर्मी, एक सोल्जर है क्या भाई? नहीं, बहुत सारे सोल्जर्स है। तो बहुत सारे सोल्जर्स हो तो इसमें से कौन सा टाइप आएगा? जी हाँ, कलेक्टिव नाउन, क्योंकि बहुत सारे सोल्जर्स है। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, ज्वेलरी। वो हम पहनते हैं, तो ज्वेलरी इज अ कॉमन नाउन, लेकिन उसमें अगर क्वेश्चन हो सिल्वर, गोल्ड, तो यस, एग्जैक्टली, ये हो गया हमारा मटेरियल नाउन, क्योंकि ये एक चीज़ है, कोई भी धातु या अधातु, मतलब मेटल या नॉन मेटल, कुछ भी हो, पानी, वाटर, सॉल्ट, ये सब आता है मटेरियल नाउन में, जो हमने पहले भी सीखा है। एक क्वेश्चन मैंने पूछा था पहले वीडियो में, खोस्ट मतलब भूत, उसका जवाब मैं अभी देती हूँ। आपको ये भूत दिखता है? नहीं ना, दिखता तो नहीं है, तो उसे हम कौन सा नाउन बोलेंगे? कॉमन नाउन बोलेंगे या एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे? एग्जैक्टली, उसे हम कॉमन नाउन बोलेंगे, क्योंकि ये जो घोस्ट है ना, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर नहीं आता है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब ऐसी चीज़, मैंने बोला, जो दिखती नहीं है, फिर भी घोस्ट आता है कॉमन नाउन की कैटेगरी में। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, आपको ट्राई करना है मेरे साथ ये कौन से टाइप का है। फर्स्ट, प्लैटिनम। प्लैटिनम क्या है? प्लैटिनम की भी ज्वेलरी आती है, तो सोचो ये प्लैटिनम क्या होगा। दूसरा है काइट। तीसरा है लायन। चौथा है सैमसंग मोबाइल। सैमसंग मोबाइल। पांचवा क्वेश्चन है मोबाइल। मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन दिए हैं ताकि आपको एग्जैक्ट क्लियर हो जाए। आगे का क्वेश्चन है रोज माने गुलाब। उसके आगे का क्वेश्चन है फ्लावर। चलो इसके उत्तर बताते हैं एक एक। लायन,
लायन भी जाता है कॉमन नाउन में ही, एनिमल भी कॉमन नाउन है, लायन भी कॉमन नाउन है। ऐसे कैसे भाई? ऐसे ही है। उस लायन को आप अगर नाम दो, जैसे कि आपके पास कोई पेट डॉग है, तो डॉग है वो कॉमन नाउन, लेकिन उसको अगर आपने नाम दिया मोती, तो यस, ये मोती हो गया प्रॉपर नाउन। बात समझ में आती है? मतलब कोई भी एनिमल हो, उसका नाम बोले तो वो आता है कॉमन नाउन में, लेकिन उस एनिमल को आप अगर नाम दे रहे हो बिल्कुल हमारी तरह, तो वो जाएगा प्रॉपर नाउन में। एक बार फिर से देखो, एनिमल कॉमन नाउन, डॉग वो भी कॉमन नाउन, मोती ये जो डॉग का नाम है इट्स अ प्रॉपर नाउन, मोबाइल फोन, मोबाइल तो कॉमन नाउन है, लेकिन सैमसंग मोबाइल ये नाम दिया उसको, तो ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। काइट था, यस, वो तो कॉमन नाउन है क्योंकि ये आसान है, काइट तो कॉमन नाउन, उड़ाते हो ना पतंग, यस, वो तो कॉमन नाउन की कैटेगरी में आता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ये जो था पार्ट टू था नाउन का, इसके आगे मैं प्रनाउन स्टार्ट करने वाली हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड मास्क का, हाँ, लाइक सब्सक्राइब तो करना है, और आज का एक क्वेश्चन भी ले लो जो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है उसका उत्तर। तो आज का क्वेश्चन है नीलकमल चेयर, नीलकमल चेयर, ये देखिए, तो आप बता सकते हैं ये कौन सा टाइप है? ज़रूर लिखना और कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर बताना कि नीलकमल चेयर कौन से कैटेगरी में आता है। बाय, टेक केयर।